Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज से हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी और इसके जितने भी डिजीज हैं इसको हम लोग वन बाय वन करके डिजीज करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में टोटल 11 फंक्शनल सिस्टम होते हैं और 2 एनाटॉमिकल सिस्टम होते हैं। 11 जो फंक्शनल सिस्टम होता है उसमें से एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल केमिकल एंड वाटर को ये बॉडी के अंदर भेजने का काम करता है। इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को न्यूट्रिशनल केमिकल्स एंड वाटर सप्लाई करवाना या दे देना। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये कैसे करता है, वो तो आगे बढ़ेंगे। पहले लोग बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है और कहाँ कहाँ से ये सिस्टम किस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम लोग जो जिसमें एलिमेंट्री कैनाल भी आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है आपको हम कि डाइजेशन करना और डाइजेशन कर करके और उसको एब्जॉर्ब करवाना। लेकिन इसको पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कितने कितने पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहला ये माउथ से लेकर के और एनस तक ये सिस्टम होता है। हम लोग थोड़ा सा इसको एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं। ये माउथ हो गया या पैलेट इव्यूला हो गया, और यहाँ पर ये माउथ के पार्ट हो गए, यहाँ पे टंग है यहाँ पे, और ये टंग के बाद यहाँ से आपको हो गया नेजोफेरिंग्स, ये फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स हो गया फिर, और यहाँ पे टंग के जस्ट यहाँ पर लैरिंग्स हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एपिग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस के बाद ये बनता है ग्लॉटिस एंड ट्रेकिया। लेकिन इधर ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना इसमें गल्लेट के बारे में। गल्लेट मतलब होता है एसोफेगस, यहाँ पे एसोफेगस होता है ये, और ये एसोफेगस में अपर में हो गया एसोफेजियल स्फिंक्चर, और उसके बाद यहाँ पर होता है लोअर स्फिंक्चर, और इसके बाद यहाँ से आ गया फिर स्टमक, इसको हम स्टमक बोलते हैं, और यह स्टमक फिर यहाँ पर टर्न करता है इधर में। स्टमक जो है फिर आगे चल कर के ये बनता है इंटेस्टाइन, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे चल कर के ये कई तरह से टर्न करता है, और इसके बाद फिर यहाँ पर आता है, इस जगह पर सिक्कम है, सिक्कम के बाद यहाँ एसेंडिंग कोलोन, इस जगह पे एसेंडिंग कोलोन है, यहाँ पे एसेंडिंग कोलोन, एसेंडिंग कोलोन के बाद यहाँ पे फिर आता है आपको ट्रांसवर्स कोलोन, और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद फिर आता है यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद फिर आता है सिग्मॉइड कोलोन, और सिग्मॉइड कोलोन के बाद फिर आता है नीचे में रेक्टम। देखिए ये पूरा जो माउथ से लेकर के और एनस तक ये पूरा एक ट्रैक्ट है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, जिसको हम लोग वन बाय वन पढ़ के बात करेंगे हम लोग। यानी फिर से रिपीट कर देते हैं, यह हो गया माउथ यानी ओरल कैविटी, इसके बाद यहाँ पे आपका फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे एसोफेगस है, यह स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। यानी टोटल ये अगर हम GIT की बात करते हैं तो टोटल GIT में टोटल 5 पार्ट हो गए। पहला पार्ट को माउथ बोलते हैं, दूसरा पार्ट को माउथ एंड फेरिंग्स यानी ओरोफेरिंग्स के साथ आता है, दूसरा पार्ट को हम लोग ओसोफेरस बोलते हैं, तीसरे पार्ट को स्टमक बोलते हैं, चौथे पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, और पांचवें पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह 5 पार्ट से मिल के बने होते हैं, है ना। 5 पार्ट, यानी पार्ट के बारे में पहले बता देते हैं पार्ट कौन कौन से हो गए। सबसे पहला पार्ट लिखेंगे ओरोफेरिंग्स, 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 ओरोफेरिंग्स इसको बोलते हैं, यानी माउथ एंड जो माउथ है और प्लस ये जो फेरिंग्स, 2 पार्ट हुआ, दोनों मिला के एक साथ क्या हुआ, ओरोफेरिंग्स। नंबर 2 दूसरा पार्ट में बताएं एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता है ये एसोफेगस,
है ना, एसोफेगस के बाद तीसरे नंबर पे आता है स्टमक। स्टमक है, स्टमक जो कि है जिसमें कि फूड जला करके कुछ देर तक यहाँ पर रहता है, यहाँ पे फूल करता है। चौथे नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और पांचवें नंबर पे है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और पूरे पांच पार्ट से मिलके बने हुए हैं। तो पांच पार्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे ओरोफेरिंग्स में, तो यहाँ पर क्या होता है माउथ में ओरोफेरिंग्स में कुछ प्रोसेस होता है, जैसे मेस्टिकेशन का प्रोसेस, कुछ डाइजेशन का प्रोसेस। दूसरा ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ओनली ट्रांसपोर्ट। उसके बाद स्टमक में पार्शियल डाइजेशन और इमल्सिफिकेशन होते हैं। लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और ऑब्जर्प्शन होता है। और लास्ट में है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर कुछ फूड जो बच जाए सब्सटेंस, उसका कुछ प्रोसेस होता है। उसके बाद ये फिर फिकस बनकर के फिर यह यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो आप पार्ट देख लिए, ये टोटल आपको पांच पार्ट में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम फंक्शन के अनुसार से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल जूस कितने बनते हैं। डाइजेस्टिव जूस, नंबर ऑफ जूस, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल पांच तरह के जूस बनते हैं, याद रखना है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जस्ट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। दो बार बोले, जैसे एक सबसे पहला जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको बोलते हैं सेलाइवा। तो सेलाइवा नंबर वन यहीं पे बनता है माउथ में ही। नंबर टू, दूसरे नंबर पे होता है जो स्टमक में बनता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद थर्ड नंबर पे सिक्रीशन हो करके और ड्यूडेनम में आता है, ड्यूडेनम के अपर पार्ट में, उसको बोलते हैं बाइल। बाइल का सिंथेसिस कहाँ से होता है, लीवर से होता है, और वह आता है यहाँ पर ड्यूडेनम के अपर पार्ट में। चौथे नंबर पे पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस भी आपको इसी ड्यूडेनम के अपर पार्ट में आता है। ये आगे इसका जब जिक्र करेंगे ना, पैंक्रियाटिक जूस पढ़ाएंगे उसे बता देंगे आपको। और उसके बाद अगला जो जूस होता है पांचवें नंबर पे, वह ड्यूडेनम के ही लोअर पार्ट से बनते हैं, सक्कस इंटेरिकस, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो पहले हुआ नंबर ऑफ जूस कितने होगा, इसमें पांच तरह के जूस होते हैं। सब जूस के बारे में वन बाय वन कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको हम। तो ये हुआ आपको नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूस, पांच तरह हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि आखिर इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे नंबर वन पे हम बात करते हैं तो है इनजेशन। इनजेशन, इंजेशन का मतलब होता है एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में, एप्रोप्रिएट एक साइज का जो फूड है उसको हम ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। यानी एप्रोप्रिएट साइज एंड अमाउंट ऑफ फूड इंटर इन ओरल कैविटी नोन एज इंजेशन। इंजेशन का मतलब समझ में आया कि एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में फूड को हम लोग इंटर करते हैं। चलिए, पहला तो हो गया इंजेशन। अब बात करते हैं इंजेशन के बाद और सेकेंड जो प्रोसेस होता है फूड के अंदर जाते ही, दूसरा नंबर प्रोसेस क्या होता है इसमें, मेस्टिकेशन। सेकेंड प्रोसेस होता है मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन। अब देखिए मेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि लार्जर साइज ऑफ फूड ब्रेक डाउन इन ए स्मॉलर साइज नोन एज मेस्टिकेशन। सीधी सी बात याद रखना होगा, यानी कि लार्जर साइज वाले फूड अगर हुआ स्मॉल साइज में जब वो कन्वर्ट करता है किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ टीथ
टंग पैलेट लिप चीप जितने माउथ में जो बताया ओरल कैविटी में जो पार्ट होते हैं टीथ है लिप है पैलेट है चीक है सब मिल करके क्या करता है कि जो लार्जर वाले लार्जर साइज वाला जो फूड होता है उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेस्टिकेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा जो प्रोसेस हुआ ये सब प्रोसेस है जो पूरे डाइजेस्टिव होता है। अब आते हैं नंबर थ्री में है ईमल्सिफिकेशन। ये जो फूड से सब्सटेंस है यह सलाइवा के साथ मिक्स होकर के और एक कंप्लीटली वह एक साथ मिक्स हो जाता है। आप रोटी सब्जी जो भी खाएंगे तो उस सब को क्या करता है ना एक साथ मिक्स कर देता है तो उसी को क्या बोलते हैं ईमल्सिफिकेशन। यानी कि जितने भी सब्सटेंस है ना सारे सब्सटेंस को एक मिक्स करने के प्रोसेस को बोलते हैं ईमल्सिफिकेशन। जैसे एक मशीन होता है जिसमें आप गिट्टी बालू सीमेंट डाल देते हो पानी डाल देते हो तो क्या होता है ना मशीन उसको मिक्स करके एक जैसा बना देता है जिसके बाद आप मकान बनाते हैं। सेम उसी तरह से क्या होता है कि जो माउथ में जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो फूड लेते हैं उस सबको क्या करता है मिक्स कर देता है इसको बोलते हैं ईमल्सिफिकेशन। और इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए ईमल्सिफिकेशन में हेल्प कौन करता है साथ में सलाइवा। सलाइवा भी सलाइवा क्या करता है ना इसको जो भी सब्सटेंस है उसको एक मिक्स कर देता है उसी को बोलते हैं ईमल्सिफिकेशन। यानी मिक्सिंग ऑफ ऑल फूड कंटेंट विथ सलाइवा नोन एज ईमल्सिफिकेशन। अब यहाँ पर एक अगला प्रोसेस होता है डाइजेशन। किसको बोलते हैं यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जब ब्रेक कर जाता है जब वो कन्वर्ट करता है सिंपल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस में तब इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जैसे मान लीजिए स्टार्च है अब स्टार्च टूट करके और वह माल्टोज में कन्वर्ट करता है तो उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कन्वर्ट इन सिंपल न्यूट्रिएंट केमिकल या सब्सटेंस नोन एज डाइजेशन। और ये डाइजेशन किसके द्वारा होता है इंजाइम के द्वारा। तो माउथ में भी डाइजेशन होता है पार्शियल डाइजेशन होते हैं जैसे स्टार्च का डाइजेशन अल्फा एमाइलेज से होता है और वो कन्वर्ट कर जाता है क्या चीज़ में माल्टोज में। यानी कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट कर दिया क्या चीज़ में सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। अगला प्रोसेस होता है बोलस फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड है इमल्सिफिकेशन के बाद एक राउंड स्ट्रक्चर शेप बनता है उस शेप को क्या बोलते हैं बोलस बोलते हैं। यानी आफ्टर इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड ए राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म इन ओरल कैविटी नोन एज बोलस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होगा ना बोलस बनता है। बोलस बनने के बाद अब क्या होगा अगला प्रोसेस है ग्लूटिनेशन या इसको बोलते हैं सॉलोइंग। ग्लूटिनेशन को क्या बोलते हैं सॉलोइंग। सॉलोइंग मतलब क्या होता है निगलना। ग्लूटिनेशन यानी क्या होता है जो बोलस सब्सटेंस बोलस सब्सटेंस यहाँ पे मान ली बोलस सब्सटेंस बन गए हैं और ये बोलस सब्सटेंस अब वो एसोफेगस में इंटर करेगा तो इसी कंडीशन को एंट्री होने को क्या बोलते हैं ग्लूटिनेशन बोलते हैं या उसको हम लोग सॉलोइंग बोलते हैं।
यानी जो बोलस बना माउथ में वो अब वहाँ पे क्या हो गया, अंदर प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं सॉलोइंग या ग्लूटिनेशन। और चलिए यहाँ तक तो पूरा प्रोसेस कहाँ पे हुआ थी, पूरे यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस कहाँ पे हुआ, ये माउथ में हुआ और फेरिंग्स में हुआ, जो थ्रोट जिसको बोलते हैं, और एसोफेगस भी हेल्प किया। तो माउथ में इतना प्रोसेस होता है, माउथ में याद रखना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगला जो एसोफेगस में सिर्फ क्या होता है, ओनली ट्रांसपोर्ट, अगला लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ बोलस सब्सटेंस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, क्या बोले हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ या मूवमेंट बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ बोलस सब्सटेंस फ्रॉम थ्रोट टू या फेरिंग्स टू स्टमक, यानी यहाँ से लेकर के और स्टमक तक जो आया फूड, इसको ट्रांसपोर्ट या मुंह में बोलते हैं। इसके लिए आने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल किया, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, ये सब्सटेंस नीचे की तरफ मूव करता है। अगला जो प्रोसेस होता है इसमें वो है फिर जो स्टमक में आता है, तो स्टमक में तो डाइजेशन ही होता है, स्टमक में डाइजेशन हुआ, फिर ड्यूटना में डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन बता चुके हैं, यानी स्टमक में फिर क्या प्रोसेस होती है, तो स्टमक में भी क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होगा, पाइप पेप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा या गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। जो गैस्ट्रिक जूस में जो केमिकल है उसको हम पढ़ाएंगे आपको आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आता है वह है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट केमिकल, या उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट। देखिए हमने बताए थे कि डाइजेशन में मेनली क्या होता है, जो डाइजेशन का मेन बात बताया आपको हम, कि डाइजेशन ही तो मेन है इसमें ना, इसी के नाम से तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट केमिकल जो होता है सब्सटेंस, वो कन्वर्ट करता है सिंपल में, सिंपल न्यूट्रिएंट केमिकल बाय द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, एंजाइम, जो वहां पे है ना डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट। यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कन्वर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम नोन एज डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट, यानी वह ऐसा कंपोनेंट बन जाता है जिसके बाद ये अब ये यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है। चलो चलिए डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट, वही अब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं, अब चलिए अब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं, कि चूंकि आप जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन से क्या कनेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट होता है इंटेस्टाइन, जैसे मान लिया अभी इसको हम थोड़ा सा निकालते हैं, जैसे थोड़ा समझने के लिए देखिए, जैसे मान लिया सपोज दैट कि यहाँ पे ये एक बार बताते हैं थोड़ा सा, जैसे यहाँ एसोफेगस था, यहाँ स्टमक था, और यहाँ पर मान लिया इंटेस्टाइन, से समझने के बनाने से हम समझने के लिए, तो ये जो इंटेस्टाइन है अब यहाँ से अटैच क्या है, आपके ब्लड वेसल अटैच रहते हैं, ये ब्लड वेसल्स है। तो भाई जब ये डाइजेस्ट हो चुका है, ये डाइजेशन जब इंप्रोडक्ट हो चुका है, तो यहाँ से अब ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा, क्या जाएगा ब्लड में, तो जो डाइजेशन हो चुका है वह सब्सटेंस अब ब्लड में इंटर करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी द सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट केमिकल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, यानी इंटेस्टाइन से जो ब्लड में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑलवेज क्या कैसा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है।
अब इसमें जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म के हैं जैसे एमिनो एसिड, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन एमिनो एसिड के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज एंड पेंटोज, उसके बाद फैट का अब्जॉर्प्शन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड का अब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस बेस फॉर्म में एडिनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासिल, मिनरल का मिनरल के फॉर्म में, विटामिन्स का विटामिन्स के फॉर्म में, यानी ये सब जो है ना यहाँ से इस फॉर्म में क्या होते हैं अब्जॉर्ब होता है यहाँ से, और साथ में वाटर भी अब्जॉर्ब होते हैं। अगर कोई दवा खाते हैं मेडिसिन लेते हैं वह भी अब्जॉर्ब होता है। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि इंटेस्टाइन से जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वह ब्लड में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग अगला प्रोसेस जो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन देखिए, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हर कंपोनेंट के एब्जॉर्ब होने का एक पार्टिकुलेट लोकेशन होता है, साइट होता है, क्योंकि वहीं पर रिसेप्टर होता है। तो देखिए हर सब्सटेंस के हर बार न्यूट्रिएंट केमिकल के एब्जॉर्प्शन का एक लोकेशन होता है जहाँ से ही वह अब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे हर अलग अलग साइट्स वह अब्जॉर्ब होते हैं, वो पार्टिकुलर साइट्स अब्जॉर्ब होता है। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इन पार्टिकुलर साइट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी वहाँ से पार्टिकुलर साइट से वो ऑब्जर्व होते हैं नोन एज एसिमिलेशन, स्पेसिफिक साइट से ऑब्जर्व होता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। अब एसिमिलेशन के बाद अगला जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफिकेशन बोलते हैं। चलिए अब आया बात जो लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे डिफिकेशन, डिफिकेशन या इसको हम जब बाहर निकलने का प्रोसेस हुआ ईजेशन भी कहेंगे। अब ईजेशन देखो डिफिकेशन के बाद क्या ईजेशन हो जाए बताओ, आगे चल बात करते हैं। देखिए जो सब्सटेंस डाइजेशन हो गया एब्जॉर्प्शन हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, हम लोग बात सीधे चल रहे हैं यहाँ पर रेक्टम का बता रहे हैं, पे ये रेक्टम है। क्या हुआ कि जो सब्सटेंस अब डाइजेस्ट नहीं हुआ यानी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस एंड जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हुआ यानी अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस, यानी अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब, ये जो डाइजेशन नहीं हुआ वो और जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो, तो अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस डिपोजिट इन रेक्टम, कहाँ पे डिपोजिट होगा रेक्टम में डिपॉजिट होगा, और उसके बाद आफ्टर एप्रोप्रिएट अमाउंट ए सेंसेशन डेवलप, आफ्टर एप्रोप्रिएट अमाउंट ए सेंसेशन डेवलप इन रेक्टम एंड देन फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन, है ना, फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ फिकल मटेरियल या फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ या इजेशन ऑफ फिकल मटेरियल नोन एज डिफिकेशन। डिफिकेशन किसको बोले, जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस था अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस था वह एप्रोप्रिएट अमाउंट में डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट होने के बाद वहाँ पर एक फिलिंग होती है, वह फिलिंग के बाद जब वह इवैक्यूएट होता है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफिकेशन। अब यहाँ तक आप समझ में आपको आया कि क्या हुआ, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस से क्या होता है कि हम क्या करते हैं फूड लेते हैं, जो फूड है उस फूड को हम लेते हैं, इस फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, एंजाइम का एक्सपोजर हुआ तो ये फूड पहले बोलस बना, बोलस के बाद फिर एंजाइम का एक्सपोजर हुआ काइम बना, फिर एक्सपोजर हुआ काइल बना, काइल के बाद फिकस बना, और ये फिकस जब रेक्टम से बाहर निकल जाता है
तब इसको हम स्टूल कहते हैं, स्टूल। तो देखिए फूड बाहर निकल इंटर करता है, इंजेशन हुआ किस फॉर्म में, फूड के फॉर्म, इंजेशन के बाद क्या बन गया, स्टूल बन गया। बाकी बीच में क्या हुआ, बाकी बीच में जो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इंजाइम के द्वारा एक्सपोज होकर के और वह सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ, और उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म थे वह यहाँ इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्ब होकर के बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को सप्लाई हुआ, और जिसके कारण हर सेल को न्यूट्रिशन मिला, उसके कारण सेल डिवीजन होगा, सेल को एनर्जी मिलेगा, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन जानते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आपको आया कि माउथ से लेकर के और एनल ऑर्फिस तक यह इतने बड़े ट्रैक्ट होते हैं, ये सब ये ट्रैक्ट है। अब एक बार हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ एक एक अलग अलग बता देते हैं, इसके बाद बाकी हम लोग फिर वन बाय वन करके हम लोग सिलाई भाग से चलेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे आपको हम, उस स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को थोड़ा सा हम सिर्फ बता देते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आ गए। सबसे पहला जो बताया था आपको हम, ये है एसोफेगस। एसोफेगस जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो तरह के स्फिंक्चर होते हैं, अपर स्फिंक्चर एंड लोअर स्फिंक्चर। इस एसोफेगस का मेन काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इसमें कोई जूस नहीं बनता है। ये जो एसोफेगस होता है ये सिर्फ जो होता है थ्रोट से लेकर के स्टमक तक फूड को लेकर के आता है, कोई जूस नहीं बनता है, कोई डाइजेशन नहीं होती है। ये जो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ से, इसको हम स्टमक बोलते हैं, यह स्टमक है। इस स्टमक में यहाँ पे कार्डियक पार्ट है, इसके बाद यहाँ से आप फंडस पार्ट है, इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं बॉडी, और इसको पाइलोरिक बोलते हैं, यानी कार्डियक फंडस बॉडी एंड पाइलोरिक चार पार्ट होता है। तो इस चारों पार्ट में जो बॉडी का जो पार्ट होता है ना, इसी पे सबसे ज़्यादा जूस बनता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, और इसी लुमेन में क्या होता है यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये जो ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं इसको लेजर कर्वेचर बोलते हैं। तो पाइलोरिक के नज़दीक स्फिंक्चर होता है यहाँ भी, जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्चर बोलते हैं यहाँ पे। और फिर पाइलोरिक स्फिंक्चर के बाद, पाइलोरिक स्फिंक्चर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम में ही मेन डाइजेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहीं पर बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड सकस इंटरकस यहाँ बनते हैं, और यहीं पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है ड्यूओडेनम में। यहाँ पे आपको बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो आते हैं ना, एक कॉमन बाइल डक्ट जो ओपन होता है ड्यूओडेनम के अपर पार्ट में, और ये कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ही बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आता है, जिसको हम आगे डिटेल करेंगे आपको। इसके बाद यहाँ से जेजुनम आता है, ड्यूओडेनम के बाद लंबी से ट्यूब होता है ये। जेजुनम के बाद फिर क्या होता है, ये इलियम बनता है, और इलियम के बाद फिर क्या होता है यहाँ से, इलियम, इलियम जो कि पूरे इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इलियम, हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुद अपने आप में बड़ा पार्ट है ये। और इसके बाद फिर जब इलियम के बाद जो होता है ना, यहाँ पे जस्ट नीचे में एक आपका वर्मिफोर अपेंडिक्स होता है, और इसके बाद नीचे सिक्कम होता है, और यहाँ से फिर आगे ऊपर की तरफ ऐसे एसेंडिंग कोलोन बनते हैं। एसेंडिंग कोलोन जो कि अब लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है ना, यहाँ से क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, डाइजेशन का मेन प्रोसेस ड्यूओडेनम में होता है, बहुत माइल्ड जेजुनम में होता है, बाकी तो फिर ऑब्जॉर्प्शन होते हैं। यहाँ से फिर क्या होता है ना, बहुत कम ही चीज़ का ऑब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ट्रेस अमाउंट ग्लूकोज, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके बाद यहाँ से फिर बनता है हिपेटिक फ्लेक्सर बनता है, और इसके बाद यह ट्रांसवर्स कोलन बनता है, ट्रांसवर्स कोलन जो कि जस्ट स्टमक के नीचे होता है। यहाँ पे फिर आपको डिसेंडिंग कोलन होते हैं। डिसेंडिंग कोलन में फिर कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ वहाँ पर नॉर्मल थोड़ा बैक्टीरिया है जो कि उसको फीकस में चेंज करता है ये। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक रेक्टम बनता है सिग्मॉइड कोलन, फिर यहाँ पर रेक्टम बनता है, और रेक्टम के बाद यहाँ पर स्टोर होता है
जिसके बाद डिफिकेशन होती है। यह आपका हो गया पूरे जीआईटी का पार्ट हो गए। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग सेलेवरी ग्लैंड और सेलाइवा के बारे में, उसके बाद बताएंगे आपको हर कंपोजिशन के बारे में फंक्शन, और वन बाय वन करके हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।